चेरनिहिव में तबाह घरों और सैन्य वाहनों की तस्वीरें दिखा रहा है ड्रोन। ड्रोन की तस्वीरों में साफ दिख रही है तबाह हो चुकी रूसी सेना की गाड़ियां और ऊंची ऊंची इमारतें। चेरनिहिव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से तबाही का मंजर साफ नजर आया। कई गाड़ियां जो बर्बाद हो चुकी हैं और ऊंची ऊंची इमारतें जो धराशायी अब हो चुकी हैं, उनकी तस्वीरें ड्रोन कैमरे ने कैद की। तो यूक्रेन के माकरीव शहर की जुदुविश नदी के पास बने पुल पर रूस ने मिसाइल से हमले किए थे। देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। हम यूक्रेन के माकरीव में हैं और माकरीव शहर जुदुविश नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। ये देखिए, ये जुदुविश नदी है और जुदुविश नदी के किनारे बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के दौरान युद्ध में ये रिहायशी इलाके भी गोलाबारी और बमबारी के चपेट में आ गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। नदी के किनारे बसे हुए कई घरों को आप देखें जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, घर अब रहने योग्य नहीं है। ये जुदुविश नदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। माकरीव शहर के बीच से होकर ये बहती है। चूँकि इस नदी को पार करने के लिए जो पुल बना है वो पुल बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए युद्ध के दौरान ये पुल भी टारगेट पर था। यहाँ पर दो बड़े बड़े मिसाइल गिरे और मिसाइल गिरने की वजह से यहाँ क्या हालात हुए उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरामैन आसिफ ये तस्वीर दिखाइए। देखिए, ये ब्रिज है इस नदी पर, जुदुविश नदी पर बना हुआ ये पुल है और यहाँ पर मिसाइल गिरा था और मिसाइल गिरा और देखिए कैसे ब्रिज में पूरा छेद हो गया है और हम पानी तक देख सकते हैं और जो मलबा है वो पानी के अंदर गिरा हुआ है। ये आपने देखा एक मिसाइल अटैक यहाँ हुआ था और कुछ इसी प्रकार का एक मिसाइल अटैक ठीक इसके पास दूसरा अटैक भी हुआ था। कोशिश थी कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए जिससे कि सेना का जो मूवमेंट है, कोई किसी भी सेना का वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ना हो सके। ये जो नदी है इस नदी को कोई पार ना कर सके। प्रयास यही था कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाता ताकि जो बड़े वाहन है, खास करके टैंक है, मिलिट्री व्हीकल है, वो इस नदी को पार ना कर सके। और ये तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हम माकरीव में देख रहे हैं जहां तबाही और बर्बादी के निशान जगह जगह देखे जा सकते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, माकरीव, यूक्रेन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।